दिल्ली में बारिश से सुबह की शुरुआत। आईएमडी का येलो अलर्ट। यूपी में मौसम का क्या है हाल? दिल्ली एनसीआर, यूपी या यू कहें पूरा उत्तर भारत कोहरे की मार और सर्दी के सितम से बेहाल है, लेकिन बुधवार की सुबह की शुरुआत दिल्ली वालों ने बारिश के साथ की, क्योंकि दिल्ली के कुछ इलाकों में बुधवार की सुबह बारिश हुई है। इससे दिल्ली वालों को कोहरे से राहत तो मिली है, लेकिन इसका असर काफी बुरा हो सकता है, क्योंकि इस बारिश के बाद अगर हवा में तेजी आई तो गलन वाली प्रचंड ठंड का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। जहां तक मौसम विभाग की बात है, आईएमडी ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा समेत एनसीआर के दूसरे हिस्सों में भी अभी हल्की बारिश के आसार है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो दिन में भी अभी हल्की बारिश हो सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर के लोग शीतलहर और घने कोहरे की वजह से दिसंबर के अंतिम दिनों से अब तक बेहद परेशानी झेल रहे हैं। सर्दी इतनी है कि ठंड और कोहरे की वजह से जिसको जरूरी काम है वही अपने घरों से निकल रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिन का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तो वहीं अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहने की संभावना है। इतना ही नहीं, आईएमडी ने यह भी बताया है कि 29 जनवरी तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी कि ये थोड़ी राहत वाली खबर है। वहीं मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि अपने औसत तापमान से 1 डिग्री कम रहा। वहीं जहां तक आज की बात है, दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही कोहरा छाया रहा, तो मंगलवार की रात घने कोहरे का प्रकोप रहा। जहां तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की बात है, उसके मुताबिक मंगलवार को एयर क्वालिटी 371 था। अब बात यूपी की। मौसम पर नजर रखने वाली वेबसाइट स्काईमेट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के अलावा ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी कई इलाकों में छिटपुट बारिश हुई। वहीं यूपी समेत उत्तराखंड अभी भी भयंकर शीतलहर की चपेट में है। केवल यूपी ही नहीं, पूरा नॉर्थ इंडिया कड़ाके की ठंड की मार झेलने को मजबूर है। स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में तो कोहरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन राज्यों के कुछ इलाकों में पिछले एक महीने से कुछ एक घंटों के लिए ही धूप निकली है। बहरहाल यूपी, बिहार और देश के 10 राज्यों में आने वाली 3-4 दिनों में ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहां तक दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हुई है, उसका इनके शहरों पर क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।